नमस्कार, मैं नीता शर्मा। आज मैं लेकर के आई हूँ छोले एंड साथ में कुलचे। दो तरह से हम कुलचे आपको बनाना बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुलचों का आटा लगा कर तैयार करेंगे। आटा लगाने के लिए एक बर्तन लेते हैं और उसमें डाल देंगे 300 ग्राम करीब मैदा और आधी चम्मच डालेंगे इसमें हम बेकिंग पाउडर, आधी चम्मच चीनी और स्वाद के अकॉर्डिंग लेते हैं हम नमक। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे इसमें और 2 चम्मच डालेंगे इसमें हम दही, यानी कि 1 टेबल स्पून। मैं दही भी डाल दिया है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके हम आटा का अच्छा से डो बना करके तैयार करेंगे। एकदम उसी तरह से हम डो बनाएंगे जिस तरह से हम रोटियों के लिए आटा लगाते हैं। देखिए डो बन करके तैयार हो चुका है, इसे हम एक साइड रख देंगे। ये मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, अब इसको हम अच्छे से गूँथ लेंगे। 3 से 4 आलू हैं, ये लगभग 4-5 कुलचे बनाने के लिए बनाया है मैंने मटेरियल। थोड़ी सी डालेंगे इसमें हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही डालेंगे थोड़ी सी सौंफ। सौंफ डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप मत डालिए। स्वाद के अनुसार लेते हैं नमक। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं। इनकी हम टिक्की बना करके तैयार करेंगे। जिस तरह से आप आलू की टिक्की बनाते हो बिल्कुल उसी तरह से गोल गोल हम टिक्कियाँ बना करके, चपटी चपटी वाली जो बनाते हैं ना, उसी तरह से हम बना करके तैयार करेंगे। ये लोई लेंगे और इस तरह से हम इसकी टिक्की बना करके तैयार कर लेंगे। इसकी मैंने टिक्की भी तैयार कर ली है। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। अब बनाएंगे हम छोले की सब्ज़ी। छोले की सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल दिया हमने और 1 चुटकी डाल दिए थे इसमें हम हींग। साथ ही डालेंगे आधी चम्मच जीरा और 2 तेज़पत्ते। अब इसमें डाल देंगे हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही डाल देंगे हम ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज को थोड़ा सा हम भून लेंगे। मैंने एक टमाटर की ग्रेवी बना करके तैयार की है। इस टमाटर को मैंने मिक्सी में पहले से पीस लिया है। थोड़ा सा प्याज भुन जाएगा तो हम उसको भी इसमें डाल देंगे। प्याज अच्छे से भुनने लगा है, अब डाल देते हैं बारीक पिसा हुआ टमाटर। थोड़ा सा ऐसे हम चला लेंगे और डालेंगे इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही डाल देंगे मिर्ची। ये मैंने 1 चम्मच मिर्ची भी डाली इसमें और लगातार चलाते हुए इसे हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी और डालेंगे, इसी तरह चलाते रहेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है, अब डाल देते हैं इसमें हम ये छोला मसाला। मैंने यहाँ पे छोले मसाले का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पे गरम मसाला भी डाल सकते हो। और स्वाद के अनुसार ले लेते हैं नमक। ये मैंने मार्केट से बड़े वाले छोले मिलते हैं उनको मैंने पहले से उबाल करके रखा था, अब इसको भी इनमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके 5 से 6 मिनट तक लगातार इसको हम पकाएंगे। गैस को रखेंगे हम मीडियम और इसी तरह चलाते रहेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़े गाढ़े छोले बनाए हैं, अगर आप पतला पसंद करते हो तो थोड़े पानी की मात्रा ज़्यादा भी ले सकते हो। छोले की सब्ज़ी बनकर के तैयार हो चुकी है, अब डाल देंगे इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया। बहुत ज़्यादा गाढ़ी सब्ज़ी नहीं बनाई है, ये कुलचों के लिए सब्ज़ी बन रही है तो बहुत ज़्यादा मसाले भी इसमें नहीं पड़ते हैं। अब इसको एक साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की ओर। ये मैंने आटा लगा करके तैयार किया था, उसके बनाएंगे हम लोइयाँ इस तरह से। और सबसे पहले बनाते हैं आपके लिए हम सादा वाला कुलचा। थोड़ा सा चकले पर हम डाल देंगे आटे को और इस तरह लंबे बेलन से चलाते हुए लंबी सी हमें एकदम रोटी बेल करके तैयार कर लेनी है। थोड़ा सा इसमें हम पानी लगाएंगे। मैं यहाँ पे ब्रश से लगा रही हूँ, आप हाथों से भी लगा सकते हो। और जिस तरह हमने पानी लगाया है उसी तरह गर्म तवे पर इसको हम डाल देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाएगी। थोड़ा सा इसमें हम धनिया और लगाएंगे, अगर आप पसंद करते हो तो इसे लगाइए, वरना ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हो। इस तरह हाथों से दबा देंगे। कुलचा एक साइड सिक चुका है, अब इसको पलट करके हम दूसरी साइड भी सेंक लेंगे। देखिए कितना बढ़िया कुलचा बन करके तैयार हो चुका है। इसको हम एक साइड में रख देते हैं। अब बना दें आलू भर करके हम कुलचा। ये मैंने एक लोई ली है और जो मैंने टिक्की बना करके तैयार की थी उसको हम इसमें इस तरह से भर देंगे, बिल्कुल जिस तरह से हम आलू का पराठा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह हम इसको बेल लेंगे। धीमे धीमे से बेलन को चलाते हुए इसे हम गोल गोल बेल लेंगे। अब लगा देते हैं थोड़ा सा इसमें पानी। ये देखिए
इसके चारों तरफ हमने पानी लगाया, तवा गर्म होने लगा है तो जिस तरह हमने पानी लगाया था उसी तरफ से इसको हम डाल देंगे। थोड़ी सी धनिया इसमें भी लगा देंगे और आधी चम्मच इस पर हम घी भी डाल देंगे। घी डालने से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और बहुत बढ़िया कुलचा बनके तैयार होता है। एक साइड अच्छे से सिक चुका है, उसको पलट लेते हैं और दूसरी साइड भी अच्छे से सेक लेंगे। देखिए कितना बढ़िया कुलचा बन करके तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा सिर्फ सर्व करने के लिए जा रहे हैं तो इसमें घी और लगा देते हैं दूसरी साइड। ये रहे आपके दोनों तरह के कुलचे एंड छोले की सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। आप भी बनाइए, खाइए और हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।